जदयू ने लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक का समर्थन किया है, जिसके बाद जदयू पार्टी में मतभेद खुलकर सामने आ गया है। लोकसभा में बिल जब पारित हो गया, तब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया कि विधेयक पार्टी के संविधान से मेल नहीं खाता है। उन्होंने निराशा जाहिर करते हुए कहा कि विधेयक लोगों से धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि जदयू के नागरिकता संशोधन विधेयक को समर्थन देने से निराश हूं। ये विधेयक नागरिकता के अधिकार से धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। ये पार्टी के संविधान से मेल नहीं खाता, जिसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द पहले पन्ने पर 3 बार आता है। पार्टी का नेतृत्व गांधी के सिद्धांतों को मानने वाला है। वहीं विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए लोकसभा में जदयू सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि जदयू विधेयक का समर्थन इसलिए कर रही है क्योंकि ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं है। सदन में कुछ लोग अपने अपने हिसाब से धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा गढ़ रही हैं। इसके साथ ही ललन सिंह ने कहा कि इस विधेयक को लेकर पूर्वोत्तर के लोगों को कुछ शंकाएं थी, लेकिन अब इन शंकाओं को भी दूर कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष में इस बिल को लेकर आक्रोश है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने नागरिकता संशोधन बिल और NRC मुद्दे पर अपना विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट कर एक तस्वीर पोस्ट करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने नीतीश कुमार को RSS और भाजपा के संग मिलकर सावरकर और गोडसे का बिहार बनाने का तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, गांधी, लोहिया, JP, कर्पूरी और लालू के बिहार को RSS भाजपा संग मिलकर नीतीश कुमार ने सावरकर, गोलवलकर और गोडसे का बिहार बना दिया है। नागरिकता संशोधन बिल और NRC के काले कानून के विरुद्ध पटना में धरना प्रदर्शन हो रहा है। वहीं राजद पार्टी ने भी ट्वीट कर लिखा कि जिस तरह मोदी सरकार ने नोटबंदी के रास्ते तथा कथित काले धन से निपटने की सारी जिम्मेदारी, तकलीफ नागरिकों के सर डाल दिया था, उसी तरह NRC में भी नागरिकों पर ही जिम्मेदारी और दबाव डाल दिया गया है कि वो सिद्ध करें कि कौन नागरिक है और कौन नहीं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या है नागरिकता संशोधन बिल। तो आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन बिल के कानून बनने के बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के मानने वाले अल्पसंख्यक समुदायों को आसानी से भारतीय नागरिकता मिल सकेगी। इन शरणार्थियों को नागरिकता के आवेदन के लिए भारत में गुजारने की जरूरी 11 साल की सीमा को घटाकर अब 6 साल कर दिया जाएगा। मालूम हो कि बिल के खिलाफ असम में कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शनकारी बिल को स्थानीय समुदाय की संस्कृति और भाषाई पहचान के खिलाफ बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार न्यूज, पटना।